नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। मायागंज में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मंत्री चौबे ने किया निरीक्षण, कहा जुलाई 2020 में होगा शुरू। सबौर में युवक की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, सिटी एसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। गोपाष्टमी को लेकर गौशाला परिसर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, गौ माता की हुई पूजा अर्चना। शहर में गंभीर होते जल संकट को लेकर डिप्टी मेयर ने पार्षदों के साथ बुडको के अधिकारियों का किया घेराव, कहा जल्द पूरी हो अधूरी योजना। और भागलपुर में 6 नवंबर से नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा आयोजन, देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को सुंदरवन के समीप बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को घूम घूमकर देखा और जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री चौबे ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है, जुलाई 2020 तक उन्होंने निर्माण कार्य पूरा कर लेने की बात कही। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से इसके लिए बात की जा रही है। उन्होंने समय पर अस्पताल में सारी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही। ठीक है, वो काम प्रगति पर है और ये पूरी ढलाई जो है चल रहा है, ढलाई हो गया है और 20 तक करेंगे। फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो चुकी है, सेकेंड फ्लोर की तरह चल रहा है, कुल मिला करके 6 फ्लोर तक जाना है, जी प्लस सिक्स। और मुझे लग रहा है कि इसको हमें 2020 तक इसको कंप्लीट करना है। इसलिए रात दिन इसमें जो भी है काम करके और इसको जुलाई 2020 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसकी तैयारी है। और इसी बीच मतलब मैं लगातार बीच में स्वयं आ रहा हूँ, देख रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि भागलपुर में जल्दी से जल्दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ प्रारंभ हो जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने वो गाइडलाइन जो भी है बिहार सरकार को भेज दिया है, बिहार सरकार उसकी पूरी तैयारी कर रही है और जो भी एडवाइजरी है भारत सरकार की ओर से भेजा। मैंने हाल में भी मीटिंग मैंने किया है, अभी दिल्ली में भी ये सब लोग गए थे, हर महीने लगभग हमारे विभाग की ओर से और मीटिंग हो रहा है, पूरा हमने ध्यान रखा है। बिहार सरकार के साथ हम लोगों की नवम्बर दिसंबर में एक उसी दृष्टिकोण से 5 जो हमारे यहाँ पर मैंने भागलपुर, उसके पहले दरभंगा और मुजफ्फरपुर, फिर पटना, गया, भागलपुर, ये 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भारत सरकार से ये प्रोजेक्ट है, लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। केंद्रीय काली महारानी पूजा समिति के महामंत्री चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी यादव की दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब धूरी यादव घर के समीप ही काली मंदिर के पीछे खड़े थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपराधियों ने धूरी यादव को 3 गोली मारी है जिसमें 1 गोली उसके सर पर लगी, घटना में उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद उर्दू बाजार इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आनंद फानन में परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में धूरी यादव को मायागंज अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पूजा समिति के लोग मायागंज अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेने में जुट गए। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जल्द ही घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। करीब शाम को 6 बजे के बाद यह जानकारी मिली है कि कुछ अपराधियों के द्वारा चिरंजीवी यादव और धूरी यादव को गोली मार दी गई थी और अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को पूरे गंभीरता से लिया जा रहा है और हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं, एक विशेष टीम का गठन किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो भी अपराधी शामिल हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। क्या अभी तक इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, अभी परिजनों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है,
जैसे ही आवेदन मिलता है और उस पर आगे की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आज दो हत्या की घटना हुई है, दोनों मामलों में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है वो की जा रही है और दोनों मामलों में जो अपराधी हैं उनकी हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर के सबौर स्थित सुल्तानपुर भिट्टी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी एवं मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, सिटी DSP राजवंत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। सिटी SP ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विधि व्यवस्था DSP के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है और घटना में शामिल हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं परिजनों ने बरारी थाना अध्यक्ष पर पूर्व में किए गए केस में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ माह पूर्व मायागंज इलाके में मोहम्मद लकी हत्याकांड मामले में दीपक यादव आरोपित रहा है। सुबह जानकारी मिली थी कि सबौर इनका अज्ञात लाशें हत्या कर दी गई है। थाना पर स्वयं तुरंत घटना से पहुंचते हैं और पहचान हो जाती है। फिर हम लोगों ने बात किया थाना पर बराज से बात किया तो फिर सही जानकारी मिल गई। तो तब से हम लोग लगातार एक टीम बना दिया है जिसमें कि इंडस्ट्रियल थाना प्रभारी हैं, बरारी हैं और आपके जो सबौर और DSP लॉ एंड ऑर्डर टीम बना दिया। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता है उसे गिरफ्तार करना किसी भी हालत में और सजा दिलाना। और इन्होंने कुछ रखी थी मांग की कुछ जांच में कोई आवेदन आया था वो जांच उसमें खुद देखेंगे, खुद जांच कर लेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि मुआवजा मिलता उल्टा है ना, CO साहब भी आए हुए हैं, जो भी इसमें देय होता है सरकार के स्तर से वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। मेरे बैगना को बदमाश जो है घूम रहा था, आज से 2 महीना से घूम रहा था और 13 तारीख को जिस दिन की मुहर्रम था, मुहर्रम के दिन जो है मुहर्रम दिन जो गोली मारा है, उसके बाद गोली मारने के बाद वो एक गोली जो है लगा उसको कमर में और कमर में लगने के बाद दूसरा गोली भी तेतारपुर में मारा, वो गोली नहीं चला, जिसके चलते मेरा बैगना भागते भागते जो है मायागंज हॉस्पिटल 1 बजे रात में आया। सर इतना जानते हैं रात में क्या हुआ, आज रात में क्या, आज कल से मेरा भगना फिरार लपता करके उसके ले जाकर मारा इसको। रियाजी साहब बरारी थाना में गुआर मायागंज का दिए थे। गोपाष्टमी के अवसर पर भागलपुर गौशाला परिसर को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस दौरान मेला का भी आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में पहुंचे गौ भक्तों ने गौ माता को हरी घास खिलाई, साथ ही गौ माता की पूजा अर्चना की। गौशाला के महामंत्री सत्यनारायण पोद्दार ने बताया कि सनातन धर्म में गाय माता के समान होती है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहीं संध्या के समय गौशाला परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही गाय माता के विभिन्न रूपों की पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। शहर में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर उप महापौर राजेश वर्मा के नेतृत्व में पार्षदों का शिष्टमंडल सोमवार को वुडको कार्यालय पहुंचा, जहां डिप्टी मेयर ने शहर में पानी की समस्या को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग वुडको के पदाधिकारी से की। इस दौरान जलापूर्ति की समस्या से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राजेश वर्मा ने कहा कि पैन इंडिया का नगर निगम के साथ करार रद्द होने के बाद जलापूर्ति के लिए कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है, जबकि इसका सारा काम वुडको के जिम्मे है, लेकिन शहरवासियों को जलापूर्ति हो सके इस दिशा में बुडको के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं पार्षद हंसल सिंह ने कहा कि 6 नवंबर तक बुडको के अधिकारियों ने इंतजार करने की बात कही है, अगर जलापूर्ति की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बार गर्मी में पूरा शहर पानी के लिए त्राहिमाम की स्थिति में था। पैन इंडिया को इसलिए भगाया गया कि पैन इंडिया का जो कार्य करने का रवैया था वो बहुत ही ढीला था और पूरे शहर की रोड को इन लोगों ने खोदकर बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद पैन इंडिया को टर्मिनेट करने के बाद बुडको ने आश्वस्त किया था कि हम दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, किसी दूसरे कंपनी को बुलाकर जो भी रोड टूटी हुई उस रोड को रिपेयर करने का काम किया जाएगा और जितने भी हमारे 19 जल मीनार है उस जल मीनार में पानी देकर पाइपलाइन बिछाकर घर घर तक जल पहुँचाने के काम को 2020 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन जो रवैया देखा जा रहा है पैन इंडिया के जाने के बाद बुडको पूरी तरीके से सोए हुए स्थिति में है। अभी हम लोगों ने जो है कार्यपालक अभियंता से बात की, इन्होंने भी कहा कि हम 6-8 महीना पहले ही यहाँ से विभाग को भेज चुके हैं कि यहाँ की ये स्थिति है, लेकिन विभाग से अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। डिप्टी मेयर साहब के नेतृत्व में आए थे यहाँ ऑफिस कार्यालय बुडको का, जो त्राहिमाम है जनता उसी के सिलसिले में सर का निर्देश हुआ कि 6 तारीख तक इंतजार किया जाए, 6 तारीख तक हम लोग सभी पार्षद इंतजार करेंगे, 7 तारीख को सर का निर्देश जैसा होगा वैसा करेंगे, आग लगाना है आग लगा देंगे जनता हित के लिए, रोड पर अमरण अनशन करना वो करेंगे, पटना जाके धरना देना होगा धरना देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। डिप्टी मेयर साहब के आदेश का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे 7 तारीख तक।
8 तारीख को सरकार जो निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, आग ही लगा देंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 6 नवंबर से शुरू होगा जो 10 नवंबर तक चलेगा। 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 350 खिलाड़ी, कोच, रेफरी एवं टीम के मैनेजर शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया जा रहा है। एसोसिएशन के सचिव KN जायसवाल ने बताया कि अंडर 13 में 4 स्तर के मैच होंगे जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग में सिंगल और डबल मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का परचम लहरा चुके खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेंगे। मैच की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें अंडर 13 इयर्स के बॉयज एंड गर्ल्स की सिंगल्स और डबल्स की स्पर्धाएं हर स्टेट से चुने हुए चुनिंदा खिलाड़ियों को स्टेट की टीम में जगह होती है जो मैक्सिमम 8 खिलाड़ी और 2 अधिकारी तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त भारतीय बैडमिंटन संघ ने जितने भी साल भर में ये रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलते हैं उसके आधार पर इनकी वरीयता नेशनल रैंकिंग निर्धारित होती है। आज इस नेशनल्स के पहले तक इनकी जो रैंकिंग निर्धारित हुई है उसमें टॉप 16 इन सिंगल्स 1-16 एंड टॉप एंड डबल्स 1-8 टॉप दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में डायरेक्ट एंट्री पाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 40 सदस्यीय टीम सोमवार को भागलपुर से रवाना हुई। टीम को नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने बरारी सिरी घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व टीम के सदस्यों ने गंगा घाट के समय वृक्षारोपण अभियान चलाया। नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने बताया कि नमामि गंगे की टीम भागलपुर में गंगा स्वच्छता के प्रति संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है जो जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस मौके पर धार्मिक संयोजक पंडित जटाशंकर मिश्र सहित निगम कर्मी एवं समाज सेवी मौजूद थे। एक्चुअली अभी बहुत सारे अवेयरनेस आया हुआ जो हम लोग ऑब्जर्व किया हुआ यहाँ, स्पेशली छठ पूजा के समय में, काली पूजा के समय में जब NGT का गाइडलाइन आए थे कि आइडल इमर्शन एकदम 100% हमको प्रोहिबिट करना है, तो हम लोग भी बहुत प्रयास किए थे, तालाब वगैरह बनाए थे एंड पीपल अराउंड 85% ऑफ द पीपल उसको ओबे किए थे। तो आई थिंक ये चेंजिंग माइंड से बहुत अच्छा है गंगा गार्ड्स के लिए, बहुत क्लीन भी अभी दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं उसको। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7701097567635423153154620102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका पंजवारा पुलिस ने अवैध शराब की खेप लेकर बिहार आ रहे एक तस्कर को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान बांका बस स्टैंड निवासी इंदु शाह के पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। दरअसल पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह को झारखंड से तस्करी कर शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने चेक पोस्ट के समीप संदेह होने पर बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। वहीं पुलिस ने खदेड़ कर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तस्कर के पास 62 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है।
गोपाष्टमी के अवसर पर नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा परिषद की ओर से सोमवार को आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में स्कूल के भैया बहनों द्वारा गौ सेवा की गई। कोतवाली चौक के समीप गौशाला में गायों को हरी घास खिलाकर गौ पूजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय अध्यक्ष अतुल कुमार ढंडनिया, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे एवं आचार्य मनोज कुमार पांडे मौजूद थे। इस दौरान देवालय दर्शन कार्यक्रम में राधा माधव मंदिर एवं मोहरी मंदिर के दर्शन कर भैया बहनों ने चरणामृत एवं छप्पन भोग का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया प्रभारी पंकज उपाध्याय मौजूद थे। महापर्व छठ पूजा संपन्न होते स्टेशन परिसर में सोमवार को यात्रियों की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला, सूरत जनसेवा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में सीट के लिए यात्रियों को काफी जहदोजहद करनी पड़ी। इस दौरान पूरे प्लेटफॉर्म परिसर में यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची रही। हम आपको बता दें कि छठ महापर्व समाप्त होने के बाद अपने काम धंधे पर वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ देखी गई। वहीं ट्रेन के आरक्षित बोगी में वेटिंग लिस्ट की लंबी सूची लगी हुई है, जिसके कारण जनरल डब्बे में सवार होने के लिए यात्री काफी परेशान रहे। भागलपुर के साहेबगंज बिंद टोला स्थित गंगा घाट पर सोमवार की अहले सुबह स्नान करने पहुंचे दर्जनों लोगों ने गंगा में तैरते हुए युवक के शव को देखा। धीरे धीरे शव मिलने की सूचना आग की तरह इलाके में फैल गई। वहीं सबको देखने के लिए गंगा घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना मिलते ही ललमठिया पुलिस और नाथनगर सीओ मौके पर पहुंचे और शव को गंगा नदी से बाहर निकलवाया। व्यक्ति की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश किनारे पे पाया गया है। इस संबंध में ईडी केस दर्ज होगी। अभी तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है कि कौन है। जैसे ही इसकी पहचान होगी तो इस दिशा में भी ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है तो अभी पोस्टमार्टम के लिए से बांका में चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। रविवार की देर रात अमरपुर मुख्य बाजार में चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर मोबाइल दुकान से लगभग 40 मोबाइल सेट की चोरी कर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार रंजन कुमार ने बताया कि प्रतिदिन की तरह रविवार की रात्रि दुकान बंद कर अपने घर गया। सुबह जब बड़ा भाई दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का वेंटिलेटर टूटा हुआ था और दुकान में रखा सारा मोबाइल गायब था। उन्होंने कहा कि लगभग 6 लाख मूल्य की मोबाइल की चोरी चोरों के द्वारा की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। इंस्पेक्टर ने कहा कि IMEI नंबर के आधार पर जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बांका अमरपुर के कौशलपुर पंचायत में सोमवार को डायनामिक इंडिया ग्रुप के द्वारा प्रखंड स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन नव उत्क्रमित विद्यालय मैदान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप के अध्यक्ष संजय झा ने किया, जबकि संचालन संतोष कुमार एवं आनंद सागर ने किया। इस दौरान अमरपुर और शंभुगंज प्रखंड के बीच मैच खेला गया, जिसमें शंभुगंज की टीम ने 80 पॉइंट अर्जित किया जबकि अमरपुर की टीम को 74 पॉइंट प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के बाद मुख्य अतिथि रतन मिश्रा ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। ग्रुप के अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि देश आज भी गांव पर निर्भर है। जब गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होता जाएगा। श्री जिन भवानी सेवा समिति की ओर से मंगलवार को श्री जिन भवानी जन्मोत्सव एवं चुनरी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को जिन माता मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव को लेकर जिन माता मंदिर से चुनरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मंगल पाठ, ज्योत, कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष पवन डोकानिया, अमरेंद्र कुमार वर्मा, महेंद्र शर्मा, विष्णु अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे। का कार्यक्रम है हमारी कुल देवी। हमारी कुल देवी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में उनका मुख्य मंदिर है। उसकी ये एक ब्रांड है भागलपुर में छोटे से मंदिर के रूप में। हम लोग पिछले एक वर्ष पूर्व एक कमेटी बनाए हैं, श्री दीन भवानी सेवा समिति। उस समिति का मुख्य लक्ष्य है कि भागलपुर में बने एक दीन भवानी का भव्य मंदिर। उसी लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने साल में 2 से 3 कार्यक्रम करते हैं। हम लोग एक तो चैत नवरात्र में, दूसरा आश्विन नवरात्र में और तीसरा आंवला नवमी श्री जीन भवानी का जन्मोत्सव के दिन पर। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया, जिसके बाद क्लब के सभी सदस्यों ने एक दूसरे से गले मिलकर दीपावली की बधाई दी। अध्यक्ष महेश परसरामजीका ने बताया कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद लोगों ने भरपूर आनंद उठाया।
चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। मायागंज में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मंत्री चौबे ने किया निरीक्षण, कहा जुलाई 2020 में होगा शुरू। सबौर में युवक की गोली मारकर हत्या, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, सिटी एसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। गोपाष्टमी को लेकर गौशाला परिसर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, गौ माता की हुई पूजा अर्चना। शहर में गंभीर होते जल संकट को लेकर डिप्टी मेयर ने पार्षदों के साथ बुटको के अधिकारियों का किया घेराव, कहा जल्द पूरी हो अधूरी योजना। और भागलपुर में 6 नवंबर से नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा आयोजन, देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।